तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे आमेर के इतिहास में मानसिंह द्वितीय के बारे में। मित्रों मानसिंह द्वितीय जो थे वो माधव सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और माधव सिंह द्वितीय के बाद ये आमेर का शासन संभालते हैं और आमेर की गद्दी पर बैठते हैं। इनका जो शासनकाल था वो 1922 से लेकर 1956 तक था। मित्रों भाई मानसिंह द्वितीय का जन्म 21 अगस्त कब होता है, इनका जन्म 21 अगस्त 1911 कहाँ होता है, ईश्वर का ठिकाना, जयपुर का जो ईश्वर का ठिकाना था वहाँ पर इनका जन्म होता है 21 अगस्त 1911। मित्रों महाराजा मानसिंह द्वितीय को 30 मार्च 1949 जिन रहत राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में जब रहत राजस्थान बनता है, रहत राजस्थान कब बनता है मित्रों, तो रहत राजस्थान बनता है 30 मार्च 1949 को। इस वक्त मानसिंह जो द्वितीय है उन्हें राज्य का राज प्रमुख बनाया जाता है, राज्य का राज प्रमुख। मित्रों भाई मानसिंह द्वितीय जो होते हैं वो 1 नवंबर 1956 तक इस पद पर कार्य करते हैं, यानी कि 1 नवंबर 1956 तक वो राज्य के राज प्रमुख रहते हैं, छप्पन तक राज प्रमुख रहते हैं। मित्रों 1956 में इन्हें मानसिंह द्वितीय को स्पेन भेज दिया जाता है भारत का राजदूत बनाकर। मित्रों इस स्पेन के राजदूत या किसी और देश के राजदूत के पद पर रहने वाले ये भारत के प्रथम शासक थे, भारत के प्रथम शासक थे। तो मित्रों मानसिंह के शासनकाल में 1924 में क्या क्या निर्माण कार्य हुए उनके बारे में जानते हैं। मित्रों 1924 में जयपुर में मित्रों इनके शासनकाल में आबकारी विभाग की स्थापना हुई, आबकारी विभाग। इसके साथ साथ मित्रों सिटी पैलेस की ज्ञानी डोडी, सिटी पैलेस की जनानी डोडी जो है वो इनके निर्माण इनके टाइम में बनाई गई, जनानी डोडी। अच्छा 1942 में हाईकोर्ट राजस्व मंडल की जो स्थापना है वो जयपुर में की गई इन्हीं के शासनकाल में, 1942 में राजस्व मंडल व जयपुर हाईकोर्ट। मित्रों रेवेन्यू बोर्ड और हाईकोर्ट, जयपुर हाईकोर्ट जो जोधपुर जो हमारे राजस्थान का हाईकोर्ट है उसकी एक शाखा है जयपुर हाईकोर्ट, इसकी स्थापना 1942 में मित्रों ये मानसिंह द्वितीय के शासनकाल में ही होती है। मित्रों मानसिंह द्वितीय जो थे वो पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, सर्वोत्तम खिलाड़ी थे, पोलो के विश्व के सर्वोत्तम खिलाड़ी थे, यानी कि मानसिंह द्वितीय जो थे वो पोलो के सर्वोत्तम विश्व के सर्वोत्तम खिलाड़ी थे। मित्रों इनका जो विवाह है वो कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से होता है, इससे होता है कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से होता है। किस प्रकार होता है मित्रों, तो ये जो गायत्री देवी थी मानसिंह के साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ती, मानसिंह द्वितीय की जो शिक्षा दीक्षा थी वो विदेश में हुई, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गायत्री देवी जो थी वो इनके साथ पढ़ती थी और गायत्री देवी ने एक बार इन्हें पोलो खेलते हुए देख लिया, पोलो खेलते हुए देख लिया और इन पर आसक्त हो गई और इनसे शादी कर ली। 1970 में मित्रों महाराजा मानसिंह द्वितीय की पोलो खेलते वक्त ही पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है और ये मृत्यु कहाँ होती है मित्रों, ये होती है लंदन में, लंदन में ये जो पोलो खेले थे तो घोड़े से गिर कर इनकी मृत्यु हो गई मानसिंह द्वितीय की, कब मित्रों 1970 में। तो यहाँ पर ये मानसिंह द्वितीय का जो शासनकाल है वो समाप्त होता है और मित्रों इनके शासनकाल के साथ ही जो भारत जयपुर है उसका राजस्थान में विलय हो जाता है, जयपुर जो है अब अलग रियासत नहीं रहती है। मिर्जा इस्माइल जो है उनके बारे में जानते हैं मित्रों, मिर्जा इस्माइल जो थे मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे, उनके मिर्जा इस्माइल जो थे वो मानसिंह के
प्रधानमंत्री थी, और इन्होंने मित्रों जयपुर में कई उल्लेखनीय कार्य करवाए। इन्होंने जयपुर की जो चार दीवारी थी उसे सुनियोजित तरीके से बनाया। चार दीवारी जो जयपुर की चार दीवारी है मित्रों, आज भी जिसको जयपुर की चार दीवारी को विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और मित्रों ये चार दीवारी जो है वो मिर्जा इस्माइल द्वारा बनाई गई थी, और जिन्हें इसीलिए इन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिर्जा इस्माइल को। मिर्जा इस्माइल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सुनियोजित तरीके से जयपुर की जो चार दीवारी थी उसको बनाया था। मित्रों मिर्जा इस्माइल की याद में जयपुर शहर में एक रोड बनाई गई जिसका नाम है एम आई रोड। ये किसकी याद में बनाई गई मित्रों? तो मिर्जा इस्माइल। तो ये चार दीवारी बनाकर इन्होंने जयपुर को एक नया रूप दिया। आज इस चार दीवारी के कारण जयपुर शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो मित्रों इसका जो श्रेय है किसको जाता है? मिर्जा इस्माइल को जाता है, और इनकी याद में जयपुर में एमआई रोड का निर्माण किया गया है। मित्रों अब जानते हैं मानसिंह द्वितीय की पत्नी गायत्री देवी के बारे में, महारानी गायत्री देवी। मित्रों गायत्री देवी है, इनका भी नाम बड़ा फेमस है, उल्लेखनीय है, क्योंकि मानसिंह द्वितीय के जाने के बाद गायत्री देवी ने राजस्थान की ही नहीं भारत की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मित्रों मानसिंह द्वितीय की धर्मपत्नी गायत्री देवी कूच बिहार की राजकुमारी थी, और गायत्री देवी राजस्थान में स्वतंत्र पार्टी की नेता थी। मतलब इनका राजनीति से बहुत गहरा संबंध था और राजस्थान में स्वतंत्र पार्टी की नेता थी गायत्री। मित्रों 1965 के चुनाव में इन्होंने ज़्यादा मत हासिल कर एक रिकॉर्ड बनाया और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया। 1965 के जो चुनाव हुए, मतलब ज़्यादा मत हासिल करने का रिकॉर्ड, मत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया और गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करवाया, गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करवाया। ये जो किताब था इनके नाम था कि इन्होंने 1965 के चुनाव में सबसे ज़्यादा मत हासिल किए थे। मित्रों 1962 से लेकर 1967 तक तकरीबन ये जो काफ़ी सालों तक इन्होंने लोकसभा में जयपुर का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि ये सांसद रही जयपुर से, राजस्थान से ये सांसद रही, और इन्होंने जयपुर का प्रतिनिधित्व किया लोकसभा में। मित्रों महारानी गायत्री देवी जो थी जनता पार्टी से संबंधित, जनता पार्टी के शासन में मित्रों ये राजस्थान विकास पर्यटन निगम की अध्यक्ष भी रही। मित्रों 1976 में इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था रिमेम्बर, यानी कि इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम था ए प्रिंसेस रिमेम्बर। इस तरह मित्रों 29 जुलाई और 2009 को इनका जयपुर में निधन हो जाता है। मित्रों मानसिंह द्वितीय से जुड़े सभी व्यक्तित्वों के बारे में मैंने आपको बताया, और आगे भी वीडियो में आपको राजस्थान के इतिहास से संबंधित जानकारी देती रहूंगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। हमारा जो आमेर का इतिहास है मित्रों मानसिंह द्वितीय के साथ यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।